हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ, होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं करने जा रही हूँ वॉशरूम क्लीनिंग, क्योंकि बाथरूम बहुत ही गंदा हो रहा है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं थोड़ा वॉशरूम साफ कर लेती हूँ। देखो इसके कोने बिल्कुल काले हो गए हैं गाइस, अब क्या बताऊँ मैं। इतना जल्दी जल्दी मुझे साफ करना पड़ता है, मतलब वीकली या टेन डेज में मुझे साफ सफाई इसकी करनी पड़ती है। पर कोई नहीं, चलो मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड तो नहीं करते हैं, देखो सफाई तो मुझे करनी पड़ती है। एक दो बार तो मैंने बाहर से लड़का बुलाया था सफाई के लिए, तो वही साफ करके जाता था। बट अभी वो लड़का है नहीं सोसाइटी में, तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है सफाई। वो बहुत अच्छे से साफ करता था और बिल्कुल वॉशरूम ऐसे क्लीन रहता था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ बाथरूम की सफाई, उसके बाद मैं आज पहनूंगी साड़ी और साड़ी में मैं आपको दिखाऊंगी हैंगी टकिंग का तरीका। तो वही मैं आज करके बस जल्दी से नहा धो के साड़ी पहनने जा रही हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको हैंकी टकिंग का तरीका, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी थी। तो गाइज मैं ये करके बस नहाने जाऊँगी, ये मेरा लास्ट काम रह रहा है आज का। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज आज मैंने पहनी है साड़ी और साड़ी में मैं टाकने वाली हूँ हैंकी। तो हैंकी टकिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रखा था कि दीदी आप प्लीज एक बार हैंकी टकिंग का आप तरीका हमें बताएं और उस तरह की वीडियो अपलोड करें। तो यही मैं उनकी मतलब रिक्वेस्ट है, तो मैं वो ही मैं करके दिखा रही हूँ आप सभी को, और इसीलिए मैंने आज साड़ी पहनी है। तो गाइज बताइएगा कमेंट में कि कैसी साड़ी मेरी लग रही है और कैसा मेरा तरीका आप लोगों को लगा, तो आप मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए मेरी घंटी वाला जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी बताती हूँ हैंकी टकिंग का तरीका। डिफरेंट डिफरेंट वेज से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हो हैंकी को तो हम हैंकी को कैसे टाक के जा सकते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। आज साड़ी में आ रही है राधिका, और राधिका ने प्रणाम प्रणाम। तो राधिका ने क्या किया है कि आज साड़ी पे रुमाल टाक कर दिखाएंगी, इसी को शायद टकिंग कहते हैं। हैं? हाँ गाइस, बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे सब्सक्राइबर्स की, आप लोग की, आप मैडम एक बार, मैडम नहीं मतलब दीदी, आप एक बार हमको हैंकी टकिंग का वीडियो। कुछ मैडम भी बोल रहे थे, कुछ दीदी भी बोल रही थी। तो जो दीदी है वो दीदियाँ और जो मैडम बोल रहे हैं वो मैडम बोल रही हैं वो भी, सबको आज दिखाने जा रही हैं फाइनली एक नई। और कौन सा डोरा कोटा क्या था तो इसका? ये गाइस ये कोटा डोरिया की साड़ी है जो मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर भी बहुत अट्रैक्टिव है और येलो एंड पिंक का कॉम्बिनेशन भी मस्त है। तो अभी टाकिंग हैंकी की मेरे पास है कॉटन का हैंकी और हमें कॉटन का ही हैंकी लेना है। इससे बहुत अच्छी मतलब इसको फोल्ड करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि टावल वाला जो हैंकी होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट कॉटन के हैंकी में थोड़ा सा इजीली। तो गाइस कॉटन का हैंकी मैं ले लिया है और हैंकी को मैं कॉटन का ही हैंकी लेना है। यहाँ पे हमें टावल वाला हैंकी यूज़ नहीं करना है, कॉटन के हैंकी से इसका मतलब जो है ग्रिप वो बहुत अच्छे से होगी और बहुत अच्छे से इसको हम टाक सकते हैं। तो इस तरह से हमें हैंकी को लेके और इस तरह से तिकोना मोड़ना है, इसको दोनों कोने को इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल इक्वल करना है और फिर इस तरह से मोड़ लेंगे हम। तो एक बार और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से, हमें एक बार और फोल्ड करना है इसको गाइस, और इस तरह से हो गया। फिर एक बार और हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमको हमारे ये ठीक है, अब इसको हम इस तरह से इस कोने को अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने इसको टाक दिया है और इस तरह से, और मैं इसमें अभी पिन लगाऊंगी। और पिन क्या करना है गाइस, हमको अंदर की तरफ लगानी है, पिन हमें बाहर की तरफ नहीं लगानी है, अंदर की तरफ हमें इसमें पिन लगा देनी है ताकि ये कहीं भी खिसके ना और गिरे ना। ये पिन मैंने लगा दी है और इस तरह से लग गया है और इसका लुक इस तरह से आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कहीं भी पार्टी वगैरह में जाते हैं हम तो बहुत ही अच्छा लुक देगा गाइस, और देखिएगा कितना सुंदर ये लग रहा है। देखिएगा मैं दिखा रही हूँ आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। तो गाइस इस तरह से हम इस हैंकी को टाक के कहीं भी हम जा सकते हैं गाइस। तो ये हो गया है हैंकी का फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें इस... तो
तो गाइस ये सेकंड स्टेप होगा, मतलब सेकंड तरह से हम किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं हैंकी को, खोलेंगे हम और इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। ये दो तरह से मैंने इसको एक साथ इसको जोड़ा है यहाँ पे मोड़ के हैंकी को, और इस तरह से हम इसकी तय कर लेंगे। ये आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे गाइज मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है और इस तरफ से मैं इसको टांग लूंगी। ये मैंने अंदर इसको टांग लिया है और इस तरह से इसकी लुक आ गई है, और इसको पल्लू के नीचे मैं कवर कर लूंगी। ये देखिए पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हैंकी लगा हुआ कितना, मतलब अच्छा रहेगा कि बाटी के हिसाब से हम इसको टांग लेंगे। ये हो गया सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया, इस तरह से फोल्ड करके भी हम इसको टांग सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम थर्ड तरीके से इसको कैसे हम इसको टांग सकते हैं और किस तरह से हम इसको फोल्ड करके लगा सकते हैं। इस तरह से हम हैंकी को मोड़ेंगे गाइस, एक मोड़ लिया फिर मैंने इसको, हम इसको खोलेंगे और फिर हम इसको मोड़ेंगे, और मोड़ के हमने इसको ऐसे तय किया है, फिर ऐसे करूंगी, फिर हम इसको इक्वल कर लेंगे बिल्कुल, और इस तरह से हमने इसको इक्वल कर लिया है बिल्कुल अच्छे से आप मैनेज करिएगा। हाँ इस तरह से मैंने अपने हैंकी को कर लिया है और ये इसकी तय कर दी है मैंने। अब इसको मैं टंग कर लूंगी अंदर, मैंने इसको टाक ली और मैंने इसको टाक दिया है। अब देखिएगा इसकी लुक कैसी आ रही है गाइस, एक तरह से ये मैंने बता दिया आपको तीसरा स्टेप, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये दूसरा तीसरा तरीका है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, और देखिएगा ये इस तरह से लगेगा इसको, ये प्यारा लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा है। अब मैं बताती हूँ चौथा तरीका आपको कि हम किस तरह से और इसको टाक सकते हैं। हैंकी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये मैंने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करके मैं एक बार ओ मोड़ा है मैंने इसको, और इस तरह से मैंने इसको टांग लिया है। ये देखिए कितना इजी है ये वाला, और ये हैंकी हो गया है मेरा, प्यारा सा लग रहा है हैंकी। ये हो गया थर्ड फोर्थ तरीका। तो ये गाइस मेरे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको बताया है कि ये कितने खूबसूरत है। तो गाइस बताइएगा हैंकी मेरा किस तरह से लग रहा है। तो गाइज मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको बताए हैंकी को हम साड़ी में कैसे टांग सकते हैं और कहीं भी हम आराम से टांग के जा सकते हैं। और गाइस मैं बनाने जा रही हूँ अभी, संस्कृति जस्ट स्कूल से आई है तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा, उसको बहुत पसंद है। प्याज का पराठा मुझे भी पसंद है और हस्बैंड को भी खिलाऊंगी और मैं भी खुद भी खाऊंगी, तो वही मैं बना रही हूँ अभी, काफी टाइम हो गया गाइस, तो आप भी खाइएगा। अगर ऑनियन का पराठा बनाता है, बनाने में लगी हुई है यार, मैंने आज हैंकी टांग के दिखाया, मैंने सोचा आधे घंटे और पहन लेती हूँ। अच्छा किराए की थोड़ी है जो तुम ऐसे सोच रही हो, आधा घंटा और इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ उसके बाद वापस करनी। यार देखो मेरी बात, तीन चार साल में चार बार भी नंबर नहीं आता मेरी साड़ी का, है ना, तो इस वजह से तो मैं घर में पहनने लग चुकी थी। नहीं ना किसी ने तुम्हें कोई साड़ी, तो दिक्कत है तुम्हें। हाँ। साड़ी किसी ने दी कहाँ है, आपके तो दे दी आपने, तो ये भी तो मेरे पैसों की आई है। हाँ तो फिर ये आपकी की नहीं आई, आई एम सॉरी, बता देती हूँ आपको, ये मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मेरे पैसे, अपने तो पैसों का कुछ हिसाब ही नहीं है, ट्यूशन पढ़ाती थी तो अभी मेरे उस पैसे की आई है। हाँ तो क्या दिखा रही हूँ, सुनिए बेइज्जती कर दो मैं आपकी, क्या बना कर दे बेइज्जती, हम तो यही बेइज्जती लोग। ये क्या हो रहा है, खोको कोल्ड ड्रिंक का आपको डांस करना नहीं आता ना, ये तुम्हें बहुत आवे मोटे हिलता है, बहुत हंसी आ रही है आपको, डांस करना नहीं आता, अभी देखा मैंने आपको, आप तो बहुत ही गंदे डांस करती हूँ यार, हंसी आ रही है बहुत ज्यादा, समझ नहीं आ रहा हंसूंगा ना हंसूंगा, काला कहाँ होगी वो, पता नहीं कैसे काला, आपको तो डांस ही इतना गंदा लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक खुली, पीछे पीछे दिखाओ पीछे, मम्मी मैं अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना जरा, हमारा गैंग बनाऊंगा डॉगी गैंग। कोको चाह कहा रहे हो तुम मेरे पीछे, सुनो तो, सुना बैठ जा, सिट 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 सिट, गुड बॉय। हाँ बोल, सुनो यार, अरे यार बिल्कुल चिपक के बैठे ना। हाँ तो मैं कहता हूँ डॉगी का ग्रुप है उसमें अपनी डांस वीडियो फॉरवर्ड कर देना, मैं अकेले क्यों हंस सब हंसेंगे, चल ठीक है कर दूंगी, ठीक है, ओके तो पर्सनली करना, काले पीले लोग बना रखे दोस्त, क्या आप क्या हुआ, ना एक डॉगी के पीछे भाग रहा था, पकड़े पकड़े खेल रहे थे, डॉगी का पैर कार में आ गया और एक पैर लग गया। अच्छा जी, हाँ चोट लग गई, हाँ मम्मी सच्ची कह रही है, हाँ सामने में था यार, है? हाँ वो दूर भाग रहा है बेचारा, और वो ऐसा आया तो तेज चला इतना तेज, अरे कैसे बैठा मगरमच्छ की तरह, ये मेरा पोज है, ये कैसे पोज होगी कोको, ये कैसे बैठी हो तुम, इससे मेरे शरीर में ठंडक आ जाती है, ये ले कहाँ आ गया, देख मैं बोल रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक दे दो यार,
कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तो क्या आप मुझे परिवार का हिस्सा नहीं समझती हो? नहीं, देखो कोल्ड ड्रिंक लाए गाइस, कोल्ड ड्रिंक का मैच तो देखो, कोल्ड ड्रिंक के साथ कह रही थी कालू का मैच, कोल्ड ड्रिंक का मैच देखो चॉकलेट साथ में। ये समझ में नहीं आ रहा संसु, पापा खरीद कैसे लाए कोल्ड ड्रिंक? पापा कभी नहीं खरीद गाइस, हमारे पापा ऐसे ही है, कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद सकते। नहीं, मुझे लग रहा कहीं से गिफ्ट भी मिल गई। पापा की इतनी हिम्मत जो कोल्ड ड्रिंक खरीद लाए, निकली निकाली जरा नमकीन वमकीन से, पता नहीं चॉकलेट के साथ क्या मैच करती है। कोको तुम मत घूमो यहाँ, अब रुक जाओ। बच गया, बच गया, बार बार बचाऊं क्या ही बताऊं, कहाँ घूम रहा है, अनाज रखे रहते थे कहाँ है वो, क्या खाने की चास में। गाइस खुल गई है कोल्ड ड्रिंक और आज हस्बैंड लाए हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ चॉकलेट। अजीब अजीब मैच है, कुछ हजम सी नहीं हो रही। कोको भी आ गया अपने चस्कारे मारने के लिए। मेरी कोल्ड ड्रिंक तुम्हें नहीं मिलेगी, कोको नहीं मिलेगी इसमें वाली बात क्या है यार, चॉकलेट के साथ कोल्ड ड्रिंक क्या, तो चिप्स के दो पैकेट ले। चॉकलेट और कोको कोला का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए है क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं खाई जाएंगी, लॉजिक देखो मैं। हाँ नहीं खाई जाएंगे। हाँ तो अगर मैं चिप्स ले आता तो तुम दोनों को अभी खत्म कर देते। क्या लॉजिक यार, कोल्ड ड्रिंक तो अकेले रह गई ना। चॉकलेट जो फैमिली पैक लाया हूँ मैं वो आपको बाद में खाने को मिलेगा, अभी आप चॉकलेट इसके साथ गुलशर रेड़ा वैसे मैं लाया है इसके लिए था कि कुछ वो बनाती रहती है ना तो घर में पड़ी रहेगी, मुझे क्या पता तुम इतनी जल्दी खोल दोगी। हमने अभी के लिए लाए हो आज, अब देखो आपको भी चेयर्स। हाँ गाइस आपको भी चेयर्स। चेयर्स।